हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुरुधि एमपी फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ ग्रेवी दार चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। आज मैं लेके आई चिकन, ये देखिए, ये मैंने जो मसाला पीसा हुआ है, हाथों से पीसा हुआ है, इसमें मैंने अदरक लहसुन और इसमें दालचीनी सभी डाला हुआ है। और ये देखिए, दो मिर्च, तेज़पत्ता, एक टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये इधर मैंने प्याज काट के रखा हुआ है। प्याज आप 2 से 3 प्याज ले लीजिएगा, मैंने 2-3 प्याज काटे हुए इसमें। और ये मेरा कढ़ाई मैंने गरम किया हुआ है, ये तेल मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में अगर आप कहते वो बनाते हैं चिकन, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसीलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल पे बनाया हुआ है। मेरा तेल गरम हो चुका था, पहले तेल गरम करके मैंने रखा हुआ था। तो देखिए, इसमें तेज़पत्ता डाला पहले, फिर उसके बाद फिर प्याज डाला मैंने। अब प्याज को जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता तब तक उसे अच्छे से उसे पकाते रहिएगा। देखिए, इसमें मैंने प्याज डाला हुआ है। एक हाथ से मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड, तो थोड़ा कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से इसे प्याज को अच्छे से भून लीजिएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि मैंने टमाटर भी काट के रखा था, मैं टमाटर भी मैंने डाल दिया है। मैं प्याज लाल ले चुका था, तब उसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिया है। ये देखिए, टमाटर को कुछ देर भूनेंगे, उसके बाद में मैंने हल्दी डाल दिया है। हल्दी, एक चम्मच नमक डाला है, एक चम्मच मिर्चा और ये मेरा धनिया पाउडर, ये सबको मैंने डाल दिया है। और इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था, हाथों से पीसा हुआ मसाला, वो डालेंगे। इसमें मैंने दालचीनी, काली मिर्च, लौंग डाल के मैंने इसे पीसा था अदरक लहसुन के साथ। ये मेरा पेस्ट है, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ चिकन में। बस इसे नॉर्मल से ग्रेवी बनाना है, बहुत ही इजीली है ये बनाना चिकन। तो एक बार आप जरूर घर में ट्राई करिएगा, हमेशा मैं तो इसी तरह से ट्राई करती रहती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने मिर्चा डाल दिया है, 2 खड़ी मिर्चें। खड़ी मिर्चों को आप हमेशा ग्रेवी थोड़े पकने के बाद डालिएगा, पहले मत डालिएगा, नहीं तो आपको नाक आग में जलन हो सकता है। ये देखिए, इस तरह से आप पका दीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक हाथ से वीडियो बनाया हुआ, पूरी तरह से हिल रही है। आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह से इसे अच्छे से, इसे आप ज़्यादा 2-3 मिनट इसे अच्छे से पका लीजिएगा। ये देखिए, अभी मेरे मसाला में तैयार हो चुका था, तो मैंने इसमें चिकन डालना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इस तरह चिकन डाल लीजिएगा आप, चिकन को आप पूरा डाल लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ग्रेवी पसंद आई हो या चिकन के बारे में कुछ भी आपसे मुझे बात करनी हो या फिर कुछ भी बात मुझे मुझसे पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते, मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का भी मैं इसमें डालूंगी, आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डालूंगी, आप इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। ये देखिए, इस तरह से चिकन को मैंने थोड़ी देर 10 मिनट मैंने भाप लेने के लिए से छोड़ दिया था। ये देखिए, उसे 10-15 मिनट इसी तरह से आप इसे पकाते रहिए, इसे तब तक पकाइए जब तक अच्छे से पकना चाहे। इसे आप धीमे आँच में पकाइएगा लास्ट में, ताकि इसका जो पानी है थोड़ा पानी छोड़ने लगता है। तो उसके बाद फिर इसे अच्छे से ग्रेवी को पकने दीजिएगा इसी पानी में। ये देखिए, ग्रेवी देखिए किस तरह से इसमें तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से ग्रेवी इसमें तैयार हो चुका है। ये मेरा एवरेस्ट का चिकन मसाला है, मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ चिकन में। आप भी एवरेस्ट का मसाला ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होता है इसका, इसकी जो खुशबू बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही लाजवाब बनाती है इस चिकन को। ये देखिए, मेरी ग्रेवी दार कितना बढ़िया बन गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, कि मुझे थोड़ा सा रसेदार बनाने थे इसे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी को मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए, पानी को थोड़ा इसमें पकने देना। अब मैं इसे 5-10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। ये देखिए, मेरी पूरी तरह से ग्रेवी वाली तैयार होगी चिकन, इस तरह से। ये देखिए, फिर इसमें लास्ट में आप धनिया आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।
मुझे मुझे पूरा तो कर दीजिए।